नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से। दोस्तों यहां पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा और बीबीटेक फास्ट फ्रेशर्स बच्चे यहां पे आवेदन कर सकते हैं। कोई भी यहां पे रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी यहां पे इंटरव्यू वगैरह आयोजित नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यानी कि बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो परसेंटेज होंगे उनके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे फ्रेशर्स डिप्लोमा वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे, फ्रेशर्स भी बीटेक वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी निकाली गई है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से निकाली गई है, तो वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले, ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी कर दिया गया, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, क्या एज लिमिट रहने वाली, कितनी एप्लीकेशन फीस रहने वाली, किस हिसाब से आपको आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट वहां पे आपको सबसे पहले मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं होगी। दिन में अगर आप एक बार भी टेलीग्राम चैनल चेक कर लेते हो तो सभी चीजों के बारे में आपको पता लग जाता है। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन भेजता है और कई बार नहीं भी भेजता, तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिस नहीं हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जो वैकेंसी जारी की गई दोस्तों टेक्निकल मेन पावर के अंतर्गत यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब रहने वाली है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका लंबे टाइम पीरियड तक चलने वाला है और सैलरी भी आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार मिलने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें, 28 अप्रैल से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि बहुत कम इसके बारे में बच्चों को पता चला है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 12 मई रखी गई, तो अब भी आपके पास में आवेदन करने के लिए टाइम है। 7 मई का दिन है, 5 दिन अभी भी आपके पास में अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए। लिंक भी मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों केवल और केवल सिविल ब्रांच के लिए, अदर ब्रांच के लिए वैकेंसी नहीं है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए जो वैकेंसी है, अनध्रुव कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। इस हिसाब से यहां पे टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी है। जेई लेवल का आपका पे स्केल यहां पे रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपके लिए जॉब है। वैकेंसी कम है, लेकिन बहुत कम बच्चों को इसके बारे में अभी तक पता होगा, तो जो भी बच्चे एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा। यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो डिप्लोमा सिविल वाले या बीएससी सिविल वाले यहां पे आवेदन कर पाएंगे। इसी हिसाब से जिनके पास में सिविल में इंजीनियरिंग की डिग्री है बीबीटेक की, वो भी यहां पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बता रखा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। यहां पे सबसे पहली चीज तो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके 60% या ओबीसी के 55% और एससी एसटी के 50% होना जरूरी है। उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन का आधार है, जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा परसेंटेज के आधार पर, यानी कि ये जो आपके परसेंटेज होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, उसके आधार पर आपको लिस्ट किया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, यानी कि आप वरीयता दी जाएगी जिन बच्चों ने गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है 2017 से लेकर के 2022 तक। उसके बाद में बीबीटेक वाले बच्चे उनको अवसर दिया जाएगा, उसके बाद में डिप्लोमा वाले बच्चों को अवसर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस हिसाब से प्रेफरेंस रहेगा सिलेक्शन करने के लिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के 33 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे, ठीक। यहां पर भी ओबीसी के बच्चों को 3 साल की, एससी एसटी वालों को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की यहां पर छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो कम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। बाकी एससी एसटी फीमेल है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे कोई भी किसी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। पेमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सिटी बता रखी है, यानी कि जेड क्लास की सिटी के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है तो 25,000, वाई क्लास की सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है तो 27,000, एक्स क्लास की सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है तो 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपको अदर डेली अलाउंसेस भी आपको मिलने वाला है, यानी कि ट्रेवलिंग आपको करनी पड़ती है, टूर के रूप में आपको कहीं जाना पड़ता है, तो 500 रुपए लगभग आपको पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो इस हिसाब से आप देखोगे टोटल सैलरी भी आपकी ठीक ठाक बन जाएगी। उसके बाद में संडे है और नेशनल हॉलीडे होंगे, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी और मंथली आपको 2 दिन का अलग से आपको एक्स्ट्रा रेस्ट है वो दे दिया जाएगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट ये देख के दोस्तों काफी हैरानी होती है, मई का महीना चल रहा है, इन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिखा रखा है 19/11/2023 तक के लिए ही दिखा रखा है। हालांकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है लंबा चलेगा, जिससे कि इन्होंने बता रखा है जब तक इनको रेगुलर भर्ती वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तब तक आपका ये प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा, आपकी भर्ती ये करेंगे आपको नहीं निकालेंगे। हालांकि इन्होंने डेट काफी कम मेंशन कर रखी है, इसी डेट पीरियड के अंदर ये ट्रेनिंग वगैरह भी करवाएंगे, तो मेरे हिसाब से इस पीरियड तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना काफी
मुश्किल होगा, क्योंकि महीना भर का टाइम मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में ज्वाइनिंग में लग जाएगा, उसके बाद में कुछ या ट्रेनिंग भी कराएंगे, तो ये डेट तो बहुत जल्दी नजदीक आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी लंबा चलने वाला है। जब तक इनको परमानेंट भर्ती के कैंडिडेट नहीं मिल जाते तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो चलने वाला है। अप्लाई करने का तरीका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आपको आवेदन करने के लिए डेट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद है कि सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चा एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन जरूर कर दीजिएगा। सैलरी भी ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस वगैरह आपका अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद में एप्लीकेशन फीस भी इन्होंने काफी कम रखी गई है। 12 मई लास्ट डेट है, तो एलिजिबल हो तो इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा। जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।